वीएमयू कोटा के जून 2021 के फेस वन के रिजल्ट्स लगातार घोषित हो रहे हैं और उन रिजल्ट्स में अब की बार एक कॉमन प्रॉब्लम देखने को मिल रही है सभी के एनसीआर है, क्योंकि अधिकांश के एनसीआर है। तो उस एनसी का जो प्रॉब्लम है उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, आगे आपको क्या रास्ता है, मतलब आपको आगे आपकी इस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए उसके बारे में जानकारी दूंगा। वहीं साथ ही रेगुलेशन रीचेकिंग के बारे में हम बात करेंगे, पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, क्योंकि आपको स्पेशली पता होना चाहिए मेरे कितने नंबर कम पड़े हैं और मैं कितने नंबर से फेल हुआ। तो उस संबंधी जो भी पीजी कोर्स है, ग्रेजुएशन है, तो उसके पास होने का क्या रोल्स है, कितने आपके टोटली नंबर होने चाहिए, इस बारे में कंप्लीट हम चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन जॉबर प्लान के एक और हेल्पफुल और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, इस वीडियो में जो जानकारी दी जा रही है वो केवल आपकी सहायता के लिए हमारे अनुभव एवं अनुमान के आधार पर दी जा रही है, आप प्राथमिकता विश्वविद्यालय के ऑफिशियल आदेश को ही दे। तो साथियों, यहां पर जो वीएमयू कोटा के जो रिजल्ट्स लगातार घोषित हो रहे हैं आप सभी देख पा रहे हैं उनकी मार्कशीट में, जैसे यहां पर इस मार्कशीट में आप देख पा रहे हैं यहां पर एनसीएनसी दिख रहा है, इससे स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा पैनिक हो रहे हैं। लेकिन इस मार्कशीट को आपको समझना है, क्योंकि वीएमयू कोटा के स्टूडेंट्स है तो आप मार्कशीट नहीं समझेंगे तो फिर आपके दिमाग में लगातार टेंशन रहेगी। तो यहां पर एक मार्कशीट में आपको दो सेक्शन देखने को मिलेंगे, चाहे पीजी की हो चाहे ग्रेजुएशन की हो, एएस और टीई। एएस का मतलब होता है असाइनमेंट सेशनल बोल लीजिए आप, जिनको आपको जमा करना होता है तैयार करके। टीई का मतलब होता है थ्योरी। तो यहां पर इस मार्कशीट में आप देख पा रहे हैं असाइनमेंट के सामने सब में एनसीएनसी लिखा हुआ है, लेकिन टीई के सामने सब में क्या है, टीई के सामने सब में एससी है, मतलब सक्सेसफुल हो गया, यहां पर सक्सेसफुल क्लियर हो गया, और एनसी है वो नॉट क्लियर है। तो यहां पर इस केस में जो मार्कशीट है उसके थ्योरी पेपर सभी क्लियर है इस मार्कशीट में, अगर हम देखते हैं केवल इनकी प्रॉब्लम कहां, असाइनमेंट में प्रॉब्लम है, असाइनमेंट में एनसी है। अगर आपका भी ऐसा है, टीई के सारे पेपर एससी में, मतलब आपके थ्योरी वाले सारे पेपर क्लियर है और असाइनमेंट के मार्क्स कंप्लीट नहीं है, तो फिर आपको क्या करना है वो बताने वाला हूं। बाकी मैं आपको इस प्रकार की भी मार्कशीट देखने को मिलेगी सब में एससी एससी और नीचे ऑलरेडी पास आ रहा है, तो फिर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि आप पास हो चुके, कंप्लीट हो चुकी। लेकिन यहां पर इस एंगल की अगर आपकी मार्कशीट है, यहां पर असाइनमेंट में आपका एनसी आ रहा है या फिर आपका थ्योरी में एनसी आ रहा है, तो दोनों स्थितियों में मैं आपके साथ जानकारी शेयर करने वाला हूं। तो साथियों, यहां पर जो अमूमन स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस होते हैं कि सर हमारे टीई में जो थ्योरी पेपर है उसमें मिनिमम पासिंग मार्क्स कितने होते हैं, तो मैं साथियों यहां पर आपके पासिंग मार्क्स का जो कंफ्यूजन है वो दूर करना चाहता हूं। वीएमयू कोटा में ओपन इंस्टीट्यूट, यहां पर असाइनमेंट होता है, जैसे असाइनमेंट आपके जो पीजी कोर्सेज है, जितने पीजी डिग्री कोर्सेज होते हैं उसमें आपके 20 नंबर के 20% का आपका असाइनमेंट होता है, और ग्रेजुएशन के जो भी होते हैं, मान लो बीए बीएससी, बीएससी का थोड़ा मतलब अलग मान सकते हैं क्योंकि प्रैक्टिकल भी होता है, बाकी ग्रेजुएशन में नॉर्मली नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की सारी अगर हम बात करें तो आपका टोटली 70 नंबर का आपका थ्योरी पेपर लगेगा और 30 नंबर के आपके क्या होंगे, सेशनल होंगे। तो यहां पर और जो एमए वगैरह जो नॉर्मली ग्रेजुएशन नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं उनमें 80 नंबर का आपका थ्योरी होता है। तो आपको जो साथियों यहां पर जो पासिंग मार्क्स की अगर हम बात करते हैं तो साथियों आपको टोटली जो 80 नंबर का जो आपका थ्योरी पेपर लग रहा है उसका 36% आपको मार्क्स लाने होंगे तभी आपकी जो आपका टेम्पलेट क्लियर होगा। 80 का 36% आप देखते हैं तो यहां पर जो है कंप्लीटली 28 पॉइंट समथिंग कुछ आता है 90, तो आपको टोटली 29 नंबर आपको लाने होंगे तभी आपका पेपर क्लियर होगा। अगर आपके पीजी डिग्री में कोर्स है, एमए वगैरह में आपका है, तो आपका 29 से कम है तो फिर आपको बैक देखने को मिलेगी और यहां पर एनसी लिखा हुआ मिलेगा। वहीं ग्रेजुएशन में अगर मैं बात करूं बीए वगैरह की, तो वहां पर 70 नंबर का पेपर होता है आपका थ्योरी पेपर, तो उसका 36% लाना, उसमें अगर एक बार आप क्लियर होंगे उसके बाद फिर आपके जो असाइनमेंट वाला नंबर है वो जुड़ के फिर आपको टोटल परसेंटेज बनेगी, लेकिन आपको थ्योरी पेपर में एक बार क्लियर करना होगा। यहां पर ये यूनिवर्सिटी का रूल्स है। तो असाइनमेंट में अगर आपके मान लो एनसी है वो मैं बताने वाला हूं, टीएच में मतलब आपके थ्योरी पेपर में, टीवाई में अगर आपका एनसी है तो साथियों आपको वही वापस आपको अपना डिफॉल्टर फॉर्म जब भी निकलेंगे, और यहां पर डिफॉल्टर फॉर्म की जो अपडेट है वो मैंने अपने चैनल पर भी मैं लगातार देता रहता हूं, तो यहां पर भी मैंने आपको दी है क्योंकि वीएमयू कोटा की तरफ से जो ऑफिशियल लगातार जो अपडेट्स आती है उसमें मैं लगातार ये बातें क्लियर करता हूं। तो यहां पर ये अपडेट दी गई थी, आप देख पा रहे होंगे ड्यू डिफॉल्टर जो थ्योरी पेपर है उनके भरने की अंतिम लिख कोटा मुख्यालय परीक्षा विभाग द्वारा अभी ओपन नहीं हुआ, शीघ्र ही ड्यू डिफॉल्टर फॉर्म भरे जाएंगे, तो आपको इसमें प्रतीक्षा करनी है। और कुछ भी अपडेट आएगी, जो भी ऑफिशियली अपडेट मिलेगी मैं इस टेलीग्राम चैनल पर लगातार देता रहता हूं, तो ये टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन कर लेना ताकि आपको हर अपडेट मिल सके। तो थ्योरी पेपर वालों के लिए डिफॉल्टर का वेट करना, उनके कोर्स की मैक्सिमम ऑफ द शेष है तब तक वो डिफॉल्टर भर के अपने कोर्स को क्लियर कर सकते हैं, उनके कोई प्रॉब्लम नहीं। जिनके मैक्सिमम अवधि पूरी हो जाती है उनकी समस्या हो सकती है, बाकी नहीं है उनकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक और रास्ता है, टीई में मान लो आपके एक दो नंबर से, जैसे मैंने आपको बता दिया 36% आपको मार्क्स लाने, और एक दो नंबर से फिर आपको मान लो लग रहा है कि आपका पेपर अच्छा था और आपने नंबर कम मिले, तो फिर आप रेगुलेशन भी लगा सकते हैं। यहां पर ये नीचे ही आप देख पा रहे होंगे रेगुलेशन का आपको यहां ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो इस रेगुलेशन के ऑप्शन के ऊपर आपको सिंपली टैप कर देना है। जैसे ही आप रेगुलेशन पर टैप करेंगे तो इस प्रकार का ये टैब ओपन हो जाएगा, तो इसमें आपको अपने जो कोर्स का नेम है, आपका स्कॉलर नंबर है, उसको एंटर कर देना है, उसके बाद आपके प्रोग्राम को चूज कर लेना है, गो पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, फिर आपको नीचे सबमिट पर टैप कर देना है। तो जैसे ही आप सबमिट पर टैप करेंगे आपके सब्जेक्ट वगैरह सारे ओपन होकर आ जाएंगे, तो कोई भी दो सब्जेक्ट में आप रेगुलेशन ले सकते हैं। 400 रुपए पर सब्जेक्ट आपकी इसकी फीस रहने वाली है, दो सब्जेक्ट लेंगे तो आपका 800 रुपए फीस होगी। तो ये काम आप खुद भी कर सकते हैं मोबाइल से, लेकिन आपको पेमेंट है वो डेबिट कार्ड से नहीं होगा, आपको क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से पेमेंट करना होगा, वरना आप नजदीकी ई मित्र पर जाकर भी आप रेगुलेशन लगा सकते हैं।
सकते हैं। तो आप जैसे ही रेवोल्यूशन लगाएंगे उसके बाद जो आपका रिजल्ट अपडेट होगा, तो फिर आप जैसे ही अपने एस्ट्रोनॉमी में रिजल्ट ओपन करके देखेंगे तो आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा आफ्टर रेवोल्यूशन रिजल्ट, मतलब आपको ऑनलाइन यहीं से पता चलेगा कि आपका रिजल्ट रेवोल्यूशन के बाद क्या रहा। अगर आपका रिजल्ट रेवोल्यूशन के बाद अगर आपके मार्क्स अगर बढ़ते हैं तो यहां पर आपके मार्क्स अपडेट हो जाएंगे और यहां पर जो आपका एनसी लगा हुआ है उसकी जगह आपका एससी दिख जाएगा स्टेटस में। तो यहां पर ये ऑनलाइन ही पता चलेगा, आफ्टर रेवोल्यूशन यू रिमार्क में आपका लिखा हुआ आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप ये पूरा अपना जो रिजल्ट है यहां पर इसमें जो रिमार्क वाले कॉलम है जिस भी सब्जेक्ट में आप लगाते हैं उसमें रिमार्क में आफ्टर रेवोल्यूशन लिखा हुआ मिल जाएगा, इसका मतलब ये आपका रेवोल्यूशन हो चुका है। और रेवोल्यूशन के अमूमन में देखता हूं तो आपको 15 दिन से 25-30 दिन का टाइम लग सकता है, अमूमन 15 दिन में आपका काम हो जाएगा रेवोल्यूशन अगर आप लगाते हैं। और बाकी आप रेवोल्यूशन भी लगा सकते हैं, डिफॉल्टर भी लगा सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपका सब्जेक्ट रेवोल्यूशन में क्लियर हो जाता है तो डिफॉल्टर में फिर आपका एडमिट कार्ड वापस जारी नहीं किया जाता यूनिवर्सिटी रूल्स अकॉर्डिंग। तो ये तो बात होगी थ्योरी पेपर की, मैंने सारी बातें कर ली। असाइनमेंट की मैं बात करता हूं, मान लो आपका असाइनमेंट में जैसे एनसी है, तो असाइनमेंट में एनसी है तो सबसे पहले साथियों अपने एस्ट्रोनॉमी में चेक करना आपको यहां पर जो आपकी जो सत्रीकारी की जो जमा स्थिति वाला जो लिंक है एस्ट्रोनॉमी में जाते हैं आपको यहां पर दिख रहा होगा सत्रीकारी जमा स्थिति, तो उस लिंक में आपको देख लेना आपके सारे असाइनमेंट सबमिट हैं या नहीं है। जितने असाइनमेंट में आपका एनसी शो हो रहा है अगर यहाँ पर आपके असाइनमेंट सबमिट है तो रीजनल सेंटर की तरफ से बहुत जल्द आपके मार्क्स हैं जो असाइनमेंट वाले जो यहाँ पर एनसी शो हो रहा है वो बहुत जल्द आपके अपडेट कर दिए जाएंगे, उसके लिए आपको पैनिक नहीं होना। लेकिन अगर आपके एस्ट्रोनॉमी में सबमिट नहीं शो हो रहा और आपका असाइनमेंट स्टेटस में कुछ भी शो नहीं हो रहा है तो फिर क्विकली आपको अपने रीजनल सेंटर पर संपर्क करना है और वहां पर जो भी आपकी जो भी बाकी की जो बात मिलती है उसके अकॉर्डिंग करना है। बाकी करना तो क्या होगा, असाइनमेंट अगर आपने सबमिट नहीं करवाए तो आपको तैयार करके जमा तो करवाने होंगे क्योंकि असाइनमेंट इसका एक मुख्य पार्ट है हमारे वीओएमयू की जो परीक्षा पद्धति है उसका। तो यहां पर ये मैंने सारी आपके बातें कर ली, असाइनमेंट में एनसी है, थ्योरी पेपर में एनसी है, तो वो सारी मैंने आपके साथ जानकारी शेयर कर ली। तो मैंने लगभग आपको सारी इंफॉर्मेशन दे दी है। अब मेरी तरफ से जो सुझावों की बात करता हूं, अगर आपके थ्योरी पेपर में अगर आपके 1-2 मार्क्स से या फिर 3-4 नंबर से आपका जो भी है तो आप एक बार रेवोल्यूशन लगा सकते हो। आपको आफ्टर रेवोल्यूशन अप्लाई फॉर रेवोल्यूशन का आपको ऑप्शन कब तक मिलेगा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है साथियों। यहां पर आप जो रिजल्ट निकलेगा आपके यहां पर आप देख पा रहे होंगे डेट ऑफ डिक्लेरेशन, यहां पर सबसे ऊपर देख रहे हैं रिजल्ट आती जो डेट ऑफ डिक्लेरेशन जो मतलब आपकी जो डेट है उससे आपको 15 दिन तक आपको ये रेवोल्यूशन का ऑप्शन मिलेगा, उसके बाद नहीं मिलेगा। मतलब जैसे ये जो रिजल्ट है ये आपका आया 29/12/2021 तक, ये रिजल्ट 29/12/2021 को ये रिजल्ट आया तो उसके 15 दिन तक आपको यहां से आप अप्लाई फॉर रेवोल्यूशन से कर सकते हैं। केवल रिजल्ट आने के 15 दिन तक आपको मौका मिलेगा, जैसे जैसे रिजल्ट आते जाएंगे ऐसे ऐसे उनको 15 दिन का मौका मिलता रहेगा। मतलब आपके रिजल्ट आने के 15 दिन तक आप रेवोल्यूशन अप्लाई कर सकते हो, उसके बाद ये मौका भी आपको नहीं मिलेगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये कुछ सारी बातें थी, बाकी रिजल्ट वगैरह जैसे जैसे आ रहे हैं मैं लगातार अपने जो टेलीग्राम चैनल पर मैं यहां पर अपडेट दे देता हूं, तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, इससे आपको कंप्लीट जानकारी मिल सकेगी। रेवोल्यूशन कैसे अप्लाई करना उसका भी मैंने इंफॉर्मेशन वीडियो बना रखा है, तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। और एक यहां पर असाइनमेंट मार्क्स को लेकर भी रीजनल सेंटर जोधपुर की तरफ से भी एक अपडेट आ रही है कि जिनके भी ऑनलाइन जो मूल्यांकन है जांचने का काम है वो चल रहा है कोविड महामारी के कारण जो सितंबर तक के बाद लिए गए थे, इसलिए उनके मार्क्स शीघ्र ही अपलोड होंगे। तो जिन जिन स्टूडेंट्स की ये सारी बातें थी वो दिमाग से अपने टेंशन निकाल दीजिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, अपनी पढ़ाई में ध्यान दीजिए और एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। साथियों मिलेंगे और किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।